वापसी का अंतिम दिन था, ऐसे में नामांकन भरने के साथ ही उम्मीदवार भी मैदान में उतर गए हैं। अभी चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर पहुंचा ही है कि दूर दराज की इस ग्राम पंचायतों में लोग अपने वोटरों के प्रत्याशी अपने वोटरों तक पहुंच रहे हैं, वो अपने को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। गुल्लू वाली ग्राम पंचायत में भी इस समय उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं अपने अपने प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने मतदाताओं के द्वारा पहुँच कर चुनाव का प्रचार किया जा रहा है। 1947 से पूर्व का बसा गाँव गुल्लू वाली जो आज भी अनेक सुविधाओं की बाढ़ जो रहा है, पिछले कई दिनों से कई सालों से इस ग्राम पंचायत में कई सुविधाएं नज़र नहीं आ रही है। बात करें चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र की, अनेक ऐसी सुविधाएं नहीं मिल रही है जो सही ग्राम पंचायतों में मिलनी चाहिए। हालांकि BDP का बजट इन ग्राम पंचायतों में बहुत पहुँचता है, लेकिन धरातल पर यहाँ काम नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण हैं, इनसे जानना चाहते हैं। गुल्लू वाली एक ग्राम पंचायत है जहाँ आज भी कहीं कोई सुविधा नज़र नहीं आ रही है, जैसे बात करें शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र के अंदर। शिक्षा के अंदर भी ये ग्राम पंचायत पीछे है, और सबसे ज़्यादा तो मेन मुद्दा यहाँ पानी का है। पानी पीने के लिए बिल्कुल भी खराब है, सबसे ज़्यादा मेन पानी का ही। और जो भी सरकार की योजना है वो किसान, हर किसान आदमी के लिए नहीं पहुँचती है। और नहर के लिए तो सबसे पहले ऊपर बैठे हैं, पानी पहुँचता नहीं है, नहरों से निकालते नहीं हैं, ऐसे अनेक समस्याएँ हैं। 1947 से पहले का बसा गांव आज भी कई सुविधाओं की बाढ़ जो रहा है। गुल्लू वाले गांव का बड़ा इतिहास भी रहा है, आप इस इतिहास से परिचित भी हैं। आज इतनी सुविधाएं कहीं नहीं नज़र आ रही है जितनी ग्राम पंचायतों में होनी चाहिए। एक तो नया एरिया होने के कारण, दूसरा यहां के राजनीतिक पकड़ से दूर दराज क्षेत्र होने के कारण, पाकिस्तान सीमा के साथ में लगने के कारण, दूसरे यहाँ दूसरे इलाकों से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोग हैं, जिनका कोई अनपढ़ तबके के लोग थे, वो अपनी समस्याएं अपनी सरकार तक पहुंचाने में भी सक्षम नहीं रहे। अगर पहुंचाई तो उसको वो क्रियान्वित करने में सरकार की कमियां भी रहेगी। दूसरा यहाँ पे अभी नए काम शुरू हुए हैं, सड़कें टूट जाती हैं, जो भी एजेंसियाँ आती हैं काम करती हैं वो अपनी मनमर्जी से भ्रष्टाचार में लिपत होती है, उनकी जांच करने वाली एजेंसियाँ भी उनके साथ में मिली भगत हो जाता है। 10 अक्टूबर को मतदान होगा, गांव की सरकार चुनी जाएगी, आप किस तरीके का उम्मीदवार चुनाव करेंगे? हम तो ये कहते हैं कि यहाँ शिक्षा का ध्यान दें, पानी जो साफ पेयजल फिल्टर जो है, हर चक्कर के अंदर लाइट की व्यवस्था होगी। आज से 15 वर्ष पहले यहाँ डिग्गियों के ऊपर गाँव के अंदर चक्कों के अंदर लाइट नहीं हुआ करती थी, तो फिल्टर की पानी सप्लाई की जो समस्या थी घर घर करने की, आज अगर फिल्टर लग जाए तो वो घर घर के अंदर आज भी पानी का, यहाँ सर के ऊपर महिलाओं के लिए वो पहाड़ बना हुआ है, क्योंकि वो सर के ऊपर 20 किलो का बोझ लेकर के अपने दूर दराज के ढाणियों में खेतों में जाती है, आबादी के अंदर रहती है। पशुओं के लिए कोई सार्वजनिक पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, पशुओं के लिए भी होनी चाहिए, आवारा पशुओं की समस्या है, उनको पानी पिलाने वाला नहीं, गौ हत्याएँ हो रही है, तो आवारा कुत्ते पक्षी मार रहे हैं। अगर गौओं भी अगर एक पंचायत स्तर पर गौशाला हो जाए तो बड़ा उसको बजट हो, तो किसानों की समस्या का भी समाधान होता है, दूसरी पशु की भूधन की जान बचती है, पशुधन बहुत ज़्यादा है। दूसरा सरहद का अंतिम गाँव IGNP अंतिम छोर के ग्राम पंचायत ये बसी हुई है, यहाँ पे हमेशा पानी के लिए एक बड़ा संघर्ष भी होता है, लेकिन आप किस तरीके का उम्मीदवार चुनेंगे ताकि वो सरपंच उस कार्यों को हल करवा सके? हमें ये नए कैंडिडेट से यही आशा करते हैं भाई, जो कैंडिडेट हम 10 अक्टूबर को जो चुनने जा रहे हैं उनसे ये आशा है कि सबसे पहले पानी की समस्या है, पानी स्वच्छ मिले जनता को, इसी पर मैं केंद्रित ध्यान दूंगा। दूसरा यहाँ शिक्षा की भी बड़ी समस्या है, आज तक अंतिम छोर पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक होते हुए भी इतनी बड़ी भारी समस्या है कि यह दूरदराज इलाका है, सड़कें टूटी हुई है और मरीज को लेकर खजौल जाते हैं, वहाँ से रेफर केंद्र मिल जाता है, तो बीकानेर जाने में कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं और मरीज वो रास्ते में दम तोड़ देता है। रही बात तीसरी समस्या शिक्षा की, तो स्कूल क्रमांक न होने के कारण बच्चियाँ भी घर बैठी है और बार बार नुमाइंदे जो चुनकर जाते हैं उनसे ये आशा करते हैं कि हमारा स्कूल क्रमांक हो, उसके बावजूद भी बॉर्डर एरिया के अंदर वो स्कूल प्रमुख नहीं हो रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या है वो चिकित्सा को लेकर है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आज भी अगर आप पंचायत पिछड़ी हुई है, मतदाताओं की अब सरपंच से भी ये उम्मीद है कि इस क्षेत्र का विकास कार्य करवाने के साथ साथ शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भी इस ग्राम पंचायतों का डेवलपमेंट करवाए। हमारे साथ सरपंच उम्मीदवार देवीलाल हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं, कल उन्होंने नामांकन भरा, आज नाम वापसी का अंतिम दिन था, अभी वो मैदान में डटे हुए, चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है,
मतदाताओं के बीच में आप पहुंच रहे हैं, किस तरीके का आश्वासन दे रहे हैं, बड़ी समय से गांव में आपकी अभी भी नजर आ रही है। मतदाताओं से देखो, कल हमने नामांकन दाखिल किया, आज नामांकन वापसी का दिन था, पर्चे भरे गए हैं, आज से हमने चुनाव प्रचार शुरू किया है। तो कोविड-19 के चलते सभी मतदाताओं से पहला अपील तो ये कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेरे साथ प्रचार में डटें और मास्क पहनकर अपने चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार करें। और चुनाव जीतने के बाद में हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि गुल्लू वाली ग्राम पंचायत में जितने भी चक ढाणियाँ गांव आबादी जो भी जिनका डेवलपमेंट, जैसे पानी की समस्या है और सड़क की समस्या है, लाइट की समस्या है, खाड़ा कवरिंग की समस्या है, शमशान भूमि की समस्या है, जो भी सरकार से जितना भी पैसा बजट आता है तो गरीब से गरीब जनता तक हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। दूसरी बात ये है, जो खाड़ा कवरिंग है, कटान के रास्ते हैं, खाड़े पे पुली है, जो रास्ते रुके हुए हैं उनको खुलवाना, लाइट की व्यवस्था करना, पानी की आपूर्ति करवाना और फिल्टर पानी की व्यवस्था हर ग्राम के अंदर हमारी प्राथमिकता रहेगी। हर 36 कौम से अनुरोध करता हूँ कि इसमें मेरा सबसे ज़्यादा यही रहेगा कि सब लोग मेरा साथ दें और 5 साल तक मैं और आपकी सेवा करता रहूँगा और आगे चुनना आपकी जिम्मेवारी नहीं होगी, हमारे हौसले बुलंदी पे हम काम करेंगे और गरीब जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सरकारी लाभ आता है वो पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे, ईश्वर हमारी मदद करे। गांव में आज भी अनेक सुविधाएं कहीं नहीं नज़र आ रही है, फिर भी ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवारों का कहना है कि गांव के अंदर जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता से निवारण किया जाएगा। बात करें तो सिंचित इलाका होने के चलते यहाँ पर डार्ट कवरिंग नहीं है, ज़्यादातर रेतीले दौरों के बीच में यह ग्राम पंचायत बसी है, रेतीले टिब्बा व खाले के अंदर आने के कारण अक्सर यहां समस्या रहती है, प्राथमिकता से शुद्ध पेयजल को लेकर इनका फोकस रहेगा। इनका कहना है कि चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र के अंदर गांव के विकास कार्य करवाए जाएंगे, यही इनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।